हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 36 को। तो सेक्शन 36 के अंदर जो है वो डीलिंग विद सीज डेटा और इंफॉर्मेशन। भाई ये कोई भी लकीरें वगैरह नहीं लगाएं प्लीज, अभी नाम लिखवा रहा था बच्चे का। अच्छा, डीलिंग विद सीज डेटा और इंफॉर्मेशन किस तरह से डील करेगा? जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा या ऑथराइज ऑफिसर होगा, अगर वो डेटा ले लेता है, सीज करता है, कोई इंफॉर्मेशन सीज करता है, तो उसके साथ उसने किस तरह डील करना है? ठीक है, इफ एनी डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन सीज्ड और सिक्योर्ड फॉलोइंग सर्च और द सीजर अंडर दिस एक्ट, द ऑथराइज्ड ऑफिसर हु अंडरटुक द सर्च और सीजर शैल एट द टाइम ऑफ द सीजर। क्या क्या करना है उसने, सबसे पहले स्टेप्स बताए हैं। बी, गिव अ कॉपी ऑफ दैट लिस्ट टू नंबर वन द ऑक्यूपायर ऑफ द प्रीमाइसेस और नंबर टू द ओनर ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम और द पर्सन फ्रॉम हूज पोजिशन द डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन सीज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर कोई भी शख्स डेटा, यानी कोई ऑथराइज ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डेटा कहीं से सिक्योर करेगा या फिर सीज करेगा, तो उसने क्या करना है कि उस सीज डेटा का की पहले सबसे पहले लिस्ट बनानी है और उसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स लिखने के बाद में उसकी एक कॉपी उस बंदे को देनी है जिसके पास से उसने जो है रिकवर किया है, और दूसरी उसकी एक कॉपी जो है ओनर को देनी है, जो मालिक है उस जगह का, और तीसरा उसने क्या कर रहा है, द पर्सन हूज पोजीशन द डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन सीज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और फिर एक कॉपी उसने उसकी, जैसे मशीरनामा कहा जाता है इसको, मशीरनामा ऑफ रिकवरी भी कहते हैं इसको, जो अगर रिकवर प्रॉपर्टी होती है या इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उसमें दो विटनेस के सिग्नेचर होते हैं, तो उसको कहता है, उसको कहा जाता है मशीरनामा ऑफ रिकवरी। तो जो भी मशीरनामा ऑफ रिकवरी होगा, एक तो उस बंदे की उसको उसकी कॉपी दी जाएगी जो वहां का ओनर हो गया, दूसरा वो हो गया जो जिसके पास जो है वो उस प्रीमाइसिस का कब्जा है, और तीसरा वो शख्स हो गया जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी थी, यानी जिसकी पोजीशन से उसने जो है वो ली है, एक वो हो गया। अब ये तीनों एक ही बंदे भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर वही मालिक है, उसी की पोजीशन से वो चीज रिकवर हुई है, ऑक्यूपाई भी वही कर रहा है और इंचार्ज भी वही है, तो वो एक बंदा भी हो सकता है और तीन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जैसी सिचुएशन होगी उसी तरह उसने हैंडल करना है, और लीगली जो है प्रॉपर तरीके से मशीनामा बना करके एक एक चीज उसने रिसीव करनी है और उनको उसकी कॉपी भी देनी है। नंबर टू, द ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द ओनर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम और आर्टिकल ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द ओनर एंड द पेमेंट ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट शैल प्रोवाइड फॉरेंसिक इमेज of the data or information system to the owner or his authorized agent within a time prescribed under this act. अब अगर जहां से उसने वो सामान जो चीजें वो रिकवर की हैं उसको फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए उसने भेज दिया अकॉर्डिंग टू लॉ, फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए सामान भेज दिया, तो वहां से जो उसकी रिपोर्ट आई है, अब अगर जो वहां का ओनर है उस प्रॉपर्टी का जिससे उसने रिकवर की है, वो चाहता है कि उसे पता तो चले कि उसकी क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, ये क्या, उसके अगर वो उसकी फोटोकॉपी मांगता है तो ऑन द पेमेंट ऑफ कॉस्ट जो है उसको वो कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन किसको, जिससे वो चीजें रिकवर हुई हैं या जो वो ओनर था उस प्रॉपर्टी का। इफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट प्रोवाइडिंग फॉरेंसिक इमेज ऑफ डेटा और इमेज ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम द ओनर अंडर सबसेक्शन 2 मे प्रिजुडिस subclass A, the investigation in connection with which the search was carried out, or B, another ongoing investigation, or number C, any criminal proceedings that are pending or that may be brought in the relation to any of those investigations.
The authorized officer shall, within 7 days of receipt of application under subsection 2, approach the court for seeking an order not to provide copy of the seized data or information system. अगर मिसाल के तौर पर उसको एप्लीकेशन देता है बंदा कि भाई हमें कॉपी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि अगर वो उसकी कॉपी प्रोवाइड कर देगा तो उससे या तो ऑनगोइंग जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है, या उससे कनेक्टेड कोई दूसरा केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, या फिर जो जो ट्रायल आप कोर्ट के अंदर चल रहा है उसके ऊपर जो विटनेसेस है उनको डराया धमकाया जा सकता है या वो प्रिजुडिस हो सकता है, और किसी भी तरह वो जो है वो उसकी जो इमेज की कॉपी अगर प्रोवाइड की गई तो उसका असर जो है केस की प्रोसीडिंग्स पे पड़ सकता है। तो उसके लिए उसने क्या करना है कि सबसे पहले वो जब जैसे ही वो बंदा अप्लाई करेगा कॉपी के लिए, उसने कोर्ट जा करके कोर्ट की इंफॉर्मेशन में ये चीज लानी है, उसके उनको नोट कर कोर्ट की नॉलेज में ये बात लाने के बाद कोर्ट से ऑर्डर लेना है और कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि जनाब ये जो कॉपी मांग रहा है बंदा अगर हमने इसको दी तो इससे केस के ऊपर यही असरात पड़ सकते हैं और यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जब वो ये चीज कोर्ट की इंफॉर्मेशन में ले आएगा ऑब्वियसली कोर्ट से फिर उसको ऑर्डर रिजेक्शन का मिल जाएगा, फिर उसको कोर्ट से ये ऑर्डर लेना है कि ये जो कॉपी है इसको मुझे प्रोवाइड मैं नहीं करना चाहता हूँ, उसकी ये सच एंड सच रीजंस है। तो उसने क्या करना है कि कोर्ट से जाकर के ऑर्डर लेना है रिजेक्शन का, वो अपने तौर पर ये डिसीजन नहीं ले सकता। अगर उसने किसी किस्म का कोई जो है वो उसके अंदर डिसीजन ले चाहिए उसको और उसके लगता है कि वो अगर कॉपी प्रोवाइड करेगा तो पब्लिक हो जाएगी और पब्लिक होने की वजह से जो है उसका उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से केस जो है उसकी प्रोसीडिंग पे असर पड़ेगा, तो वो क्या करेगा कि उसके लिए उसने कोर्ट से जाकर के ऑर्डर लेना, अपनी मर्जी से उसने कुछ भी नहीं करना। और नंबर 4 में कहता है कि द कोर्ट अपॉन रिसेप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 3 मे आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग पास सच ऑर्डर एज डीम एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब कोर्ट जो है वो कोर्ट अपनी मर्जी से डिसीजन लेगी, भले ही उसको ऑथराइज ऑफिसर सेटिस्फाई करे कुछ भी हो, अगर कोर्ट चाहती है कि कॉपी प्रोवाइड कर दी जाए, कोर्ट को ऐसा लगता है कि कॉपी प्रोवाइड करना उसका राइट है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप उसको कॉपी प्रोवाइड करें। और अगर कोर्ट को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या ऑथराइज ऑफिसर कि कॉपी प्रोवाइड करना किसी भी तरह ठीक नहीं है, तो वो जो है कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन को। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि कोर्ट को वो तमाम रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि किस रीजंस की जो है वो बेस के ऊपर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है या किस एप्लीकेशन की बेस के ऊपर जो है इस जो है ये किन रीजंस की बेस पे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, दोनों चीजें उसको रिकॉर्ड में लानी है। नंबर 5 द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज ऑफ राइट Rights under this section shall be borne by the person exercising these rights. Yani, अगर कोई शख्स कॉपी के लिए अप्लाई कर रहा है कोई चीज कोई मांग रहा है तो उसको उसके ऊपर आने वाला जो खर्चा होगा वो उसी को प्रोवाइड करना होगा जो उस कॉपी के लिए अप्लाई कर रहा है या जो इस राइट को यूटिलाइज कर रहा है उस बंदे को उसकी जो कॉस्ट है वो पे करनी होगी। अच्छा, ये हमारा 37 सेक्शन जो है अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट्स के बारे में। तो इसके अंदर ये है कि जो भी अगर कोई किसी किस्म के कंटेंट्स किसी के साथ किसी के से ताल्लुक रखते हैं और वो डेफामेट्री हैं और उस बंदे की जो है वो रेपुटेशन उससे मुतासिर हो सकती है, तो कोर्ट अगर चाहे तो ऑर्डर करके उन तमाम कंटेंट्स को डिलीट करवा सकती है बाय यूजिंग पब्लिक स्विच। और लेकिन उसके लिए अथॉरिटी जो है उसके पास ही पब्लिक स्विच होता है तो अथॉरिटी को कहना पड़ेगा, उसके लिए ऑर्डर कोर्ट पास करेगी और फिर वो अथॉरिटी को उसकी कॉपी चली जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर जो हमारे पास पीटीए है ऑनलाइन, अगर कोई जो है डेटा कंटेंट्स मौजूद है जो कि अनलॉफुल है उनको डिलीट करवाया जा सकता है। अच्छा, 36 आप लोगों को समझ में आ गया, ताकि फिर 37 की तरफ चले हम। जी, 36 समझ में आ गया।
किसी को कुछ पूछना है 36 में से? कोई क्वेश्चन किसी के जहन में आ रहा हो तो पूछ लें। क्या लिखा हुआ रहा है? 36। हाँ 36 सेक्शन ही पढ़ रहे थे हम लोग, तो आपको क्या लगा कि हम 37 पर? 37 तो अभी आएगा ना, अभी ये देखे ना, 37 पे तो अभी हम आए हैं, 36 अभी तक जो हमने पढ़ा है वो 36 है, ठीक है ना। चलें फिर 37 भी पढ़ लेते हैं, कितना टाइम अपने पास पढ़ सकते हैं, 49 दिन। चलें 37 पढ़ते हैं। अच्छा 37 सेक्शन जो है ये हमारा, ये भी काफी बड़ा सेक्शन है। ये आगे देखते हैं कि आगे है या नहीं। अच्छा अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट्स। नंबर वन, द अथॉरिटी शैल हैव द पावर्स टू रिमूव और ब्लॉक और इशू डायरेक्शन फॉर रिमूवल और ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम इफ इट कंसीडर्स दैट इट नेसेसरी इन देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी और मोरलिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प ऑफ कोर्ट और कमीशन Commission of or incitement to an offence under this act. अगर कोई ऐसे जो है derogatory words या derogatory जो है वो कोई चीज जो किसी किस्म के कोई pictures या कोई किसी किस्म की जो है वो banners share किए जाते हैं online जो कि derogatory हैं और जिनका ताल्लुक जो है वो integrity of Pakistan के against में है, या तो वो security और defence के against में है, या फिर जो है वो किसी नाउज़बिल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शान में किसी गुस्ताखी की गई है किसी किस्म की, या फिर जो है वो इस्लाम के बारे में यानी ग्लोरी ऑफ या खूबसूरती जो है इस्लाम की उससे मुतासिर हो रही है, तो इस तरह के तमाम जितने भी ऐसा डेटा कंटेंट्स होंगे उनको इलीगल करार दिया गया, उनको गैर कानूनी करार दिया गया है, या फिर कोर्ट और कंटेम्प ऑफ कोर्ट से रिलेटेड कोई चीजें होंगी तो उनको जो है ऑर्डर पास करके टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के थ्रू उनको रिमूव करवाया जा सकता है। अच्छा सेकंड में ये कहता है कि द अथॉरिटी शैल विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर अमंग अदर मैटर्स सेफगार्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड इफेक्टिव ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सबसेक्शन 1। यानी ये अथॉरिटी जो होगी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी उसके लिए जो है खास रूल्स भी बना सकती है फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ, ये जो है वो जितने भी हमारे पास ऑनलाइन डेटा कंटेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, उनके ऊपर नजर रखी जा सके कि कोई ऐसा ऑफेंस कमिट ना हो जो कि सबसेक्शन 1 में बताया गया है, यानी कोई ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स या डेरोगेटरी जो है वो सब्सटेंस अपलोड ना किया जा सके। अगर कोई ऐसी चीज अपलोड हो जाती है तो उसको रिमूवल, उसके रिमूवल के लिए जो है अथॉरिटी रूल्स बना सकती है टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। नंबर 3 भी कह रहा है, अंटिल सच रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 2 द अथॉरिटी शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स अंडर द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट नॉट इन कंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी अगर जब तक के रूल्स नहीं बन जाते तो जो भी कानून हमारे पास इस वक्त इंटैक्ट है अकॉर्डिंग टू दोस लॉस अथॉरिटी को एक्ट करना है, अगर कोई गैर कानूनी मवाद किसी किस्म का मौजूद है ऑनलाइन तो उसको जो है वो रिमूव करना है। एनी पर्सन एग्रीड फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 मे फाइल एन एप्लीकेशन विद द अथॉरिटी फॉर रिव्यू ऑफ द ऑर्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच ऑर्डर। अगर कोई कंटेंट्स जो ऑनलाइन मौजूद थे उनको जो है पीटीए ने वहां से रिमूव कर दिया, लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि गैर कानूनी तौर पर किया गया है
और उस वो कोई किसी किस्म के डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं दे या उनका ताल्लुक जो है वो किसी किस्म के जो है इलीगल सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद नहीं था, तो अगर वो कोई शख्स एग्रीव्ड है तो वो क्या कर सकता है कि वो जो है रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऑर्डर को रिविजिट करने के लिए बिफोर अथॉरिटी, और अगर अथॉरिटी उसकी एप्लीकेशन को जो है वो डिसमिस कर देती है या रिजेक्ट कर देती है तो फिर क्या करना होगा कि उसको अपील अगर वो चाहे तो फाइल कर सकता है बिफोर हाई कोर्ट, उसकी अपील जो लाए होगी वो बिफोर हाई कोर्ट होगी विद इन द 30 डेज, जैसे ही वो ऑर्डर पास होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने रिव्यू फाइल करना। एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी इन रिव्यू शैल लाई बिफोर द हाई कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी इन रिव्यू। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है आज के लिए, ये दो सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब 37 के अंदर अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास को एंड कर लेते हैं। जी मैम, जी जी पूछिए मैम, हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल होगा या अपील फाइल होगी? अपील फाइल होगी, अपील। रिव्यू जो होगा, रिव्यू उसी कोर्ट या उसी अथॉरिटी के पास होता है जिसने ऑर्डर पास किया होता है। रिव्यू का मतलब होता है रिविजिट करना अपने ऑर्डर को, दोबारा से कंसीडर करना। ये रिव्यू जो होता है उसी कोर्ट के पास फाइल होता है जिसके जिसने ऑर्डर पास किया होता है या उसी अथॉरिटी के पास लाया होता है जिसने वो ऑर्डर किया होता है, और अपील जो होती है वो अपेक्स कोर्ट में होती है। तो अपील जो होगी वो हाई कोर्ट में फाइल होगी, अगर रिव्यू भी रिजेक्ट हो जाएगा तो अपील फाइल होगी। जी, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लें। अच्छा, बासित आपने अटेंडेंस ले लिए? जी मैम। चलें फिर, ठीक।